जैन साथियों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मिसाइलों के बारे में। भारत के पास इस समय कौन कौन सी मिसाइलें हैं और कौन कौन सी कितनी कितनी रेंज है और कौन कौन से आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, 6 सीरीज हैं इसकी अग्नि की। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अग्नि 1 से। तो चलिए दोस्तों, अग्नि 1 मिसाइल स्वदेशी बिल्कुल स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 भारत की मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक प्रक्षेप अस्त्र है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी 21 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी अग्नि 2 मिसाइल 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 2 के सफल परीक्षण के बाद भारत द्वारा विकसित मध्यवर्ती दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर बताई गई है। अग्नि 4 ये भी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अब आते हैं अंतर महाद्वीपीय, एशिया से यूरोप, एशिया से अफ्रीका महाद्वीप तक पहुँचाने में सक्षम मिसाइल। भारत की अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक में प्रक्षेप अस्त्र है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियार से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर से 7500 किलोमीटर तक इसका रेंज बताई गई है। इस मिसाइल में 3 चरणों का प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अग्नि 6 अभी विकास अधीन है। अग्नि 6 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अग्नि 5 से 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसकी दूरी बताई गई है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। सूर्या मिसाइल ये भी भारत द्वारा विकसित किया जा रहा प्रथम अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेप अस्त्र का कूट नाम दिया गया है। यह भी DRDO द्वारा विकसित मिसाइल है। इस परियोजना को शुरुआत 1994 से शुरू की थी। अब आ जाते हैं पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, यानी पनडुब्बी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका। सागरिका भारतीय सेना में शामिल एक परमाणु हथियारों का वहन करने में सक्षम मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 700 किलोमीटर है। K-4 SLBM परीक्षण के दौर से K-4 एक परमाणु क्षमता संपन्न मध्यम दूरी का पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला मिसाइल है, जिसे भारत सरकार के DRDO द्वारा बनाया गया है। यह मिसाइल मुख्यतः अरिहंत सबमरीन की श्रेणी में हथियार है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। K-5 SLBM ये भी विकास अधीन है। K-5 मिसाइल कथित तौर पर भारतीय सामरिक बलों के लिए DRDO द्वारा विकसित विकास अधीन है। पानी के नीचे प्लेटफार्मों से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। सामरिक मिसाइल शौर्य एक मिसाइल एक कनस्तर से प्रक्षेपित सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 750 से 1900 किलोमीटर है। प्रहार एक ठोस ईंधन की सतह से सतह तक मार करने में सक्षम कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से पानी के जहाज से विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की NPO मशीनों स्टोर एनिया तथा भारत के DRDO संगठन ने
संयुक्त रूप से इसका विकास किया। यह रूस की P-800 ओमकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस 2 रूस की NPO मशीनों स्त्री यूएनिया और भारत की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा भारत मामले में संयुक्त रूप से विकास अधीन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। इसे हाइपरसोनिक गति उड़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका विकास DRDO द्वारा विकास किया जा रहा है। निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल से भारत में DRDO द्वारा ही विकसित किया गया है। शिप से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 10.56 मीटर लंबा है। यह प्रक्षेपास्त्र परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है। टैंक भेदी मिसाइल नाग मिसाइल एक तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित टैंक भेदी गाइडेड मिसाइल है। यह उन 5 मिसाइल प्रणाली में से एक है जो भारत के DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है। अमोगा मिसाइल यह भी विकास अधीन है। दूसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल थी जो 5 जनरेशन में 2.8 किलोमीटर की रेंज के साथ विकास अधीन है। सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल आकाश मिसाइल भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जमीन से हवा में निकट दूरी पर मार करने वाला मिसाइल है। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर समथिंग है। मध्यम दूरी की मिसाइल बराकेट एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि इजराइल से खरीदी थी। अभी भारतीय से DRDO द्वारा इसका संस्करण बनाया जा रहा है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस वायुमंडल के बाहर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की अवरोधन करने के लिए विकसित एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल के आधार पर बनाई गई है। एडवांस एयर डिफेंस 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंडो वायुमंडल में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अवरोधन के लिए बनाई गई है। एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में ही दुश्मन के आने वाली मिसाइलों को तबाह कर देगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारत ने विकसित किया है। यह हवा से हवा मार करने वाली भारत द्वारा विकसित पहला मिसाइल है। हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल DRDO द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसे काली के नाम से जाना जाता है। DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही एंटी रेडिएशन मिसाइल ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार व ट्रांसमिट सिग्नल को खराब कर देती है। तो दोस्तों ये कुछ मिसाइलें हैं जिनका नाम आपको गिनाए गए हैं। भारत के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका विकास अधीन है जिनको अभी ऑफिशियल रूप से उजागर नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।